क्या एक बार फिर अलग होने वाले हैं ज्योति सिंह और पावर स्टार पवन सिंह की राहें? क्या पावर स्टार रचाएंगे तीसरी शादी? कुछ यही खबरें हैं जो भोजपुरी गलियारों में बहुत ज्यादा ही तहलका मचा रही हैं, जहां पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक को लेकर खबरें सुनने को मिल रही है। जैसा कि हमने आपको पिछले पार्ट में बताया कि कैसे ज्योति सिंह जो हैं वो एक स्टेटस के जरिए ये बता रही हैं कि उनकी जिंदगी दिन प्रतिदिन गुमनामी में होती चली जा रही है। उनका अकेलापन सभी सोशल मीडिया पोस्ट पर साफ तौर पर देख रहे हैं, जहां ज्योति सिंह अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के साथ तो नजर आती हैं, लेकिन पति पावर स्टार पवन सिंह के साथ दूर दूर तक उनका जिक्र नजर नहीं आता। इतना ही नहीं, पावर स्टार पवन सिंह से शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट दौरान भी पूछा गया था कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। ऐसे में पावर स्टार का जवाब बहुत ही सरल था कि फिलहाल तो उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। लेकिन इन खबरों ने तब जाकर तूल पकड़ा जब बबीता मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया स्टोरी पर एक जबरदस्त पोस्ट शेयर किया। जी हाँ, एक ऐसा पोस्ट जिसने पावर स्टार और ज्योति सिंह के रिश्ते को दे दिया एक अलग ही एंगल, जहाँ उन्होंने ज्योति सिंह का एक ट्रैवलिंग वीडियो शेयर करते हुए बबीता मिश्रा ने एक सनसनी भरा कैप्शन भी दे दिया। वो लिखती है कि ज्योति सिंह की जिंदगी अंधेरे में लाकर पवन सिंह को खुशी मिलेगी, ऐसा पति किस किस को मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, उस पोस्ट में बबीता सिंह ने कुछ ऐसे पॉइंट इंक्लूड किए जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो लिखती हैं कि पवन सिंह ने दिया ज्योति सिंह को धोखा, अपने बीवी के कंधे पर बंदूक रखकर चुनाव जीतना चाहते थे, बेचारी समझ नहीं पाई, करने जा रहे हैं तीसरी शादी। शुभांकर मिश्रा के मुंह में बोली नहीं थी, शुभांकर मिश्रा को शर्म आनी चाहिए, इसलिए ज्योति सिंह का जिक्र नहीं किया, सिर्फ अक्षरा और खेसारी, क्योंकि जानता था कि ज्योति के बारे में बोलेगा तो पोल खुल जाएगी। सब अपने घर को चलाने के लिए, व्यू पाने के लिए बैठे हैं। समाज में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, बेटी भले ही मर जाए, व्यू व्यू। बबीता मिश्रा के इस पोस्ट ने ज्योति सिंह और पावर स्टार के रिश्ते को तो अलग एंगल दे ही दिया था, साथ ही साथ जर्नलिस्ट का इस पोस्ट ने कहीं ना कहीं शुभांकर मिश्रा को भी घसीट डाला। बबीता मिश्रा के इस पोस्ट ने ये भी साबित कर दिया कि पवन सिंह जो है वो ज्योति सिंह को धोखा दे रहे हैं, वो उनको तलाक देकर करने वाले हैं तीसरी शादी। और इतना ही नहीं, पावर स्टार ने अपनी बीवी को चुनाव के दौरान भी किया था इस्तेमाल, जबकि ज्योति सिंह एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभा रही थी। बबीता मिश्रा का ये पोस्ट देखने के बाद मानो सभी मीडिया वाले भी कहीं ना कहीं 50 तरह के सवाल अपने दिमाग में सेट करके बैठे थे। ऐसे में एक पोर्टल ने जर्नलिस्ट से बात की, जहां बबीता का कहना है कि बबीता मिश्रा माफी मांग लेंगी अगर पावर स्टार पवन सिंह या उनके टीम का कोई भी एक आदमी आकर ये बोल दे कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन इससे पहले बबीता ने कहा, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल बबीता अपनी बातों में बताती है कि अंदर की खबरें सबको होती है और वो सूत्रों से जुड़ी हुई हैं जहां इसके हवाले से उन्हें ये खबर मिली है। इतना ही नहीं, पिछले 3 महीने से ज्योति सिंह पति पवन सिंह के साथ थी और 10 दिन पहले वो अपने मायके वापस आई हैं। इतना ही नहीं, पावर स्टार जो हैं वो चुनाव के लिए ज्योति का इस्तेमाल कर रहे थे और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही ज्योति सिंह को टाटा बाय बाय कर दिया। अब 3 महीने पहले दोनों साथ आए थे तो उनके फैंस जो थे वो एक परिवार की तरह खुश नजर आ रहे थे कि दोनों वापस आ गए हैं। मैं उस वक्त से काफी चुप थी, लेकिन अचानक क्यों मैंने ये पॉइंट उठाया, अंदर की कोई बात होगी तब ना, मैं एक सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हूँ, हर बेटी के लिए आवाज उठाना मेरा फर्ज है, मैं ज्योति सिंह के लिए भी आवाज उठा रही हूँ। अगर पावर स्टार कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे तो वो सामने आकर बोले, और उनकी टीम का एक मेंबर भी बोल सकता है, और इतना ही नहीं, एक स्टेटस या स्टोरी के जरिए भी बता दे कि उनके बीच सब कुछ ठीक है, वो अपना रिश्ता ज्योति के साथ खत्म नहीं कर रहे। बबीता मिश्रा की बातों को सुनकर एक और सवाल किया गया कि ज्योति सिंह ने खुलकर सामने आकर ये बात नहीं की कि पावर स्टार और वो अलग हो रहे हैं। ऐसे में बबीता मिश्रा का जवाब था, वो कहती हैं कि ज्योति सिंह ने स्टेटस के जरिए इशारा कर ही दिया है। इतना ही नहीं, पावर स्टार ने कुछ वक्त पहले व्हाट्सएप पर अपनी पत्नी की तस्वीर लगाते हुए लिखा था जियो मेरी जान, और ज्योति सिंह ने भी पावर स्टार की तस्वीर लगाते हुए कहा था आप में हमारी जान बसती है। इसके अलावा ज्योति सिंह ने एक पत्नी होने के तमाम फर्ज भी निभाए। बबीता मिश्रा की इन बातों से एक चीज तो साफ है कि वो बस पावर स्टार से कबूलनामा चाहती हैं कि किसी भी तरह एक स्टोरी या स्टेटस के जरिए उनकी टीम या कोई भी मेंबर सामने आकर इस बात को कबूल कर लें कि इनके बीच सब कुछ ठीक है,
तब जाकर बबीता मिश्रा, पावर स्टार या ज्योति सिंह को लेकर कोई भी खबरें नहीं छापेंगी और लाइव आकर पावर स्टार से माफी तक भी मांग लेंगी। फिलहाल तो आगे कुछ भी कहना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति सिंह के स्टेटस सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मामला वाकई में गर्म है। इस पर क्या कहेंगे आप, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।